मुझे नहीं लगता ग्रैनी गेम का मुझसे बड़ा फैन इस दुनिया में कोई भी होगा। मैंने सारे एस्केप क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मेरा इस गेम से दिल ही नहीं भरता। अगर ग्रैनी गेम जैसा सच में एक रियल एडवेंचरस घर होगा तो मैं वहां जरूर जाना चाहूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, वहां जरूर जाऊंगा और इस ग्रैनी और ग्रैंडपा को सबक सिखा कर आऊंगा। The end. स्टेटस डाल देता हूं, प्लेड ग्रैनी 200 टाइम्स टिल नाउ। विंजो ऐप कितना कूल है। मनु घर बैठे एक गेम हो जाए मेरे साथ। भारत के सबसे बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पे, यहाँ पर आप अपने मनपसंद गेम खेल सकते हो, लाइक कैरम, क्रिकेट, लूडो, फैंटेसी स्पोर्ट और बहुत सारे मजेदार गेम्स, और रोजाना जीत सकते हो लाखों का रियल कैश और सारे पैसों को विड्रॉ कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट, UPI और पेटीएम वॉलेट से इंस्टेंटली। तो इंतजार किस बात का है, अभी डाउनलोड करो विंजो ऐप और खेल अपनी फेवरेट गेम और जीत बहुत सारा रियल कैश नाउ। मोनू मैं ग्रैनी गेम अब तक 200 से भी ज्यादा बार खेल चुका हूँ, और तू? मैं 100 टाइम्स। मैं अब भी तुझसे आगे हूँ। मैं दुनिया में ग्रैनी गेम का सबसे बड़ा फैन है। ये तो तूने सच बोला। चल कल मिलते हैं। ओके। बाय बाय। ईमेल। डियर रॉब, हमने तुम्हारा स्टेटस देखा जिससे पता लगा कि तुम ग्रैनी गेम के बहुत बड़े फैन हो, इसलिए हम तुम्हें ग्रैनी की रियल एडवेंचरस हाउस में आने का मौका दे रहे हैं। अरे वाह, मेरा ग्रैनी जैसे घर पर जाकर एडवेंचर करने का सपना सच में पूरा होने वाला है। ये रहा तुम्हारा एंट्री पास, इसकी मदद से तुम ग्रैनी के घर में एंट्री पा सकोगे। पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि ग्रैनी के घर से तुम्हें खजाना जीतने का मौका मिलेगा। कल रात ठीक 8 बजे तुम स्कैंडल पॉइंट के पास वाले गार्डन में आ जाना। वहां तुम्हें एक गाड़ी दिखाई देगी। ध्यान रहे, क्योंकि ये एक एडवेंचर है तो किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उस गाड़ी में बैठे हो। तुम सीधा बेसमेंट रूम में चले जाना, यहीं से तुम्हारा एडवेंचर शुरू होगा। गुड लक फ्रॉम ग्रैनी ऑर्गेनाइजेशन। इस रूम में कितना अंधेरा है। मोबाइल का टॉर्च यूज करता हूँ। मेरा मोबाइल। मोबाइल ढूंढ रहे हो? वो हमारे पास है रॉब, माय ग्रैंडसन। ग्रैंडसन? हाँ, ग्रैनी गेम को खेलने वाला हर प्लेयर ग्रैनी के लिए उसका ग्रैंडसन होता है। हमने धोखे से तुम्हें यहाँ बुलाया है, अब तुम हमारे कब्जे में हो। तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन है खजाना ढूंढने के लिए। अगर तुम्हें खजाना मिला तो ठीक, वरना तुम यहीं कैद होके रह जाओगे बाकी बच्चों की तरह। नीचे जो टॉर्च पड़ी है उसे उठाते ही तुम्हारी गेम शुरू हो जाएगी। यानी कि मुझे ग्रैनी और ग्रैंडपा ने अपने घर में फंसाया है, और वो ईमेल मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ पर कैद करने के लिए भेजा था। यानी कि ये घर ग्रैनी गेम जैसा है, और ये मुझे यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ 5 दिन दे रहे हैं। मुझे जल्दी से उस खजाने को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन वो खजाना होगा कहाँ? मुझे जल्दी उस खजाने तक पहुँचना है। क्रोबार, जल्दी से नीचे जाकर देखता हूँ बॉक्स में क्या पड़ा हुआ है।
सेफ की। कितना लकी हूं मैं, मुझे पहले ही सेफ की मिल गई। पक्का खजाना उसी में होगा। अब तो मुझे खजाना मिलने ही वाला है। स्पार्क प्लग। रॉब, अब शुरू होता है तुम्हारा डे टू। खजाना तो सेफ में नहीं था। जरूर वो ऐसी जगह पर होगा जहां पर पहुंचना इजी नहीं है। क्या पता खजाना जेल रूम में हो। मुझे स्टन गन मिल गई। अब जल्दी से ग्रैंडपा को ढूंढता हूँ ताकि मुझे सिक्योरिटी की मिल जाए। क्या पता खजाना जेल रूम में हो। अब ग्रैनी तो गई 2 मिनट के लिए। अब जल्दी से ग्रैंडपा को ढूंढता हूं। सिक्योरिटी की। पक्का खजाना ऊपर ही होगा। देखता हूं कटिंग प्लायर्स कहां है। कटिंग प्लायर्स। अरे यहां तो हैंड व्हील है। ये रहा रेंच। मुझे रेंच मिल गया, लेकिन ये किस काम का है। खजाना जरूर उस जगह पर होगा जहां पर उसकी कोई रक्षा कर रहा होगा, लेकिन ऐसी जगह कौन सी है। याद आया, नीचे सिलेंडरिनास चाइल्ड, वो जरूर खजाने की रक्षा कर रहा होगा, और खजाना भी शायद वहीं पर होगा। ये रहा स्पाइडर बेबी। सिलेंडरीना ने ग्रैनी और ग्रैंडपा को आगाह कर दिया है। वो लोग कभी भी यहां पर आते होंगे। जल्दी वहां पर देखता हूं खजाना है कि नहीं। ये रहा खजाना। अब शुरू होता है तुम्हारा डे 4। अब तुम्हारे पास एक दिन बचा है
उस खजाने को हासिल करके इस घर से आजाद होने के लिए, वरना तुम हमेशा के लिए यही कैद होके रह जाओ। मेरी स्टन गन ऊपर पड़ी है और मुझे पता चल गया है कि खजाना कहाँ है। अब मुझे जल्दी खजाने तक पहुंचना है और यहाँ से बाहर निकलना है। ये स्पाइडर बेबी तो अभी भी जिंदा है। खजाना मेरे हाथ में है तो ये गेम दी एंड क्यों नहीं हो रही? ग्रैनी और ग्रैंडपा बस आने ही वाले होंगे, अब मैं इस गेम को कैसे खत्म करूं? ये क्या है? जो भी ये खजाना पाएगा ग्रैनी के चंगुल से आजाद हो जाएगा माला माल। यही है ग्रैनी के घर का कमाल, मुक्तम संभवम। मैं ग्रैनी के घर से वापस आ गया, लेकिन इस खजाने को हासिल करने के चक्कर में मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अब मैं इस खजाने को गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब हमारा खजाना वापस करो, वापस करो हमारा खजाना, हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हमारा खजाना वापस करो, अब हमें हमारा खजाना वापस दो। हाय गाइस, मुझे ग्रैनी और ग्रैंडपा का खजाना पाकर बहुत मजा आया और इनके घर पर वापस जाकर मजा भी आया और डर भी बहुत लगा। तो गाइस, फटाफट से मोहक मीत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मीत।